आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन बाद बातें करने के मौका मिला और ये जो अपडेट निकल के आ रही है जेपीएससी की साइड से निकल के आ रही है कि आने वाले जो 11th जेपीएससी होगा आपका, उसमें जो है चेंजेस होगा, यानी कि उसमें बदलाव होगी। और उस बदलाव के लिए क्या कर दिया गया है, कमेटी का गठन किया गया है। तो डिटेल्स में इस बदलाव के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है, क्या होने जा रही है, क्योंकि जो जेपीएससी है वो तो यूपीएससी की तरह कभी काम कर ही नहीं सकती है। तो एज ए जेपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप एक जेपीएससी के विद्यार्थी है, तो आपके पास इन सारे चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कब क्या हो रहा है। आप जेपीएससी को ऐसे मान कर नहीं चल सकते कि आप सालों भर दो साल से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप जेपीएससी देंगे 11th जेपीएससी और आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका जो है ग्राफ जो है कोई नहीं कह सकता। झारखंड बनने के बाद अब कितना नंबर जेपीएससी हो रहा, 8वां नंबर हो रहा। पहले बार को तो तीनों को एक ही में समेट दिया गया। तो इसमें देखेंगे क्या होने जा रही है, ताकि आप जो है प्रिपरेशन को एक नए लेवल में ले जा दे पाए और कब एग्जाम होगी इसकी भी संभावना हम लोग बात करेंगे। तो जेपीएससी का जो 2021 का नियमावली है उसमें क्या करेगी सरकार, बदलाव करेगी। और उसी बदलाव के लिए जो है एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया, कार्मिक विभाग जो है इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया है और कमेटी की जो है 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करना है। कितना दिन के अंदर, 15 डेज। तो यहाँ जो टाइमलाइन दिया गया 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है कमेटी को, तो इससे पता चल रहा है कि जेपीएससी जो है बहुत जल्द आने वाली है और आपको समय आ गया है कि प्रिपरेशन को एक नया मोड में ले जाने के लिए। अब आप सुस्त नहीं बैठ सकते हैं कि कब वैकेंसी आएगा, कब वैकेंसी आएगा। बट अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि किस टाइप की चीज़ों को झेल करके झारखंड के विद्यार्थियों को नौकरी मिलता है। तो अब आपको पूरा प्रयास लगाना चाहिए, जेपीएससी की ओर ध्यान देना चाहिए आपको। अब इसमें और क्या बातें हैं कि इसमें जो कमेटी का जो अध्यक्षता करेंगे कौन करेंगे, एल खिगायन अध्यक्षता करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सचिव जो है, जैसे वंदना दादेल हो गए, अजय कुमार सिंह हो गए, ये लोग क्या इसमें शामिल है इस कमेटी में। और ये सब चीज़ों में जो मेन चीज़ जिसमें रखा गया है कौन कौन चीज़ में बदलाव हो सकती है, तो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के नियम यानी पास होने के नियम में चेंज किया जा सकता है। आरक्षण से जुड़े मुद्दों में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और ये संशोधन के बाद 2021 के बाद जो है नेक्स्ट सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो है सुगबुगाहट चालू हो गई है, तो आप भी अपने प्रिपरेशन को जो है तैयार करें, प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए आप ध्यान दें। अब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल रिक्त पदों के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होंगे, इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर सीट वेबसाइट पर जारी करने को लेकर संशोधन हो सकती है, यानी कि अब ओएमआर सीट आपका वेबसाइट पर जारी होगा। तो इन सारी चीज़ों के मुद्दे पर बात होगी। तो मेन मुद्दा की बात है कि जेपीएससी आने वाली है और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बाकी जुमला है, क्या है, कहानी है, ये झारखंड है, कुछ भी नहीं किया सकता यहाँ के सरकार के बारे में। 2 साल से पहले 7 साल का वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये तो आने वाली है, इसका कोई जनक नहीं है, क्या तुक है, कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो झारखंड में बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, प्रिपरेशन कीजिए। अगर 11th जेपीएससी को लेकर आप सीरियस है तो चैनल के साथ जुड़े, आगे आने वाले दिनों में झारखंड से रिलेटेड चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।